हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। नया दिन, नई सुबह, और आज आपको लेके जाने वाला हूँ नई जर्नी पे, जो अभी तक आपने शायद किसी के चैनल पर देखी होगी। मैं हूँ मेट्रो स्टेशन पे, नीचे हमें जाना है ऊपर। अभी चलते हैं, आपने देखा होगा कई बार, इधर से चलते हैं। ये मार्केट है, आपको सामान वगैरह खरीदना है तो खरीद सकते हो नीचे से। मैं एरिया का नाम बताता हूँ ऊपर चल के। घोड़े वाला मेट्रो स्टेशन सासुंसी दावित, जब खोर बिराब गया था तब भी आपने देखा होगा। अगर आपको मेट्रो पकड़ना है तो नीचे से जा सकते हो, अगर आपको ट्रेन पकड़ना है तो ये है, ठीक है, यहाँ से आपको ट्रेन मिलेगी। और मैं अंदर ही जाने वाला हूँ अभी ट्रेन का टिकट लेने, फिर बताता हूँ मैं आज जा कहाँ रहा हूँ। पर मैं ट्रेन का जो स्टेशन है बहुत ज़बरदस्त है, देखो आई लव आर्मेनिया, क्या भयंकर डिजाइनिंग है, देख रहे हो। देखो मेन गेट से सीधे आओगे आप बिल्कुल, और मैं बताता हूँ आपको टिकट कहाँ मिलेगी। यहाँ से इधर जाना है, तो टिकट उसने हमें दिया नहीं, भगा दिया कि चलो निकल जाओ, गरीब लोगों को हम ट्रेन में नहीं बिठालते हैं। मतलब 1:30 बजे टिकट मिलेगा, 1:25 पे ट्रेन है, और अभी टाइम हो रहा है, घड़ी में कौन देखेगा, 12 बज रहे हैं, 1.5 घंटा है। दिखा देता हूँ आपको थोड़ा बहुत मेट्रो वेट्रो। उस साइड में मेट्रो स्टेशन है, ये ट्रेन की लाइन है, खाली पड़ा रहता है सब। अभी टिकट लेते हैं फिर देखते हैं क्या है सीन पूरा। ये है ट्रेन का स्टेशन, देख रहे हो कितनी शांति है। मतलब उस साइड में मेट्रो आवाज़ आती होगी आपको शायद, देख रहे हो, बस यही है, ऐसा कोई भी नहीं है। और जो पुरानी वाली ट्रेन खड़ी जो पहले सोवियत के टाइम में चलती थी, कितनी लंबी है देखो, वहाँ से लेकर उधर तक। और जो आएगी ट्रेन जिसमें जाएंगे वो 2 डिब्बों की होगी या 3। पहली बार बैठूंगा, मुझे भी पता नहीं है कैसे क्या होगा, फिलहाल तो इंतज़ार कर रहे हैं टिकट मिलने का। बाकी आप स्टेशन देख सकते हो कैसा है, सब लोग बाग जी खाली घूम रहे हैं, जाने वाला कोई नहीं है, 2-4 लोग हैं अंदर, लड़कियां बैठी हैं वो जाएंगी। यहाँ से आप कई जगह जा सकते हो, बहुत मतलब आर्मेनिया के काफ़ी सारे जगह ट्रेन जाती है, पर ये गुमरी का है, मैं गुमरी जाने वाला हूँ आज। यहाँ की एक सिटी है, ठीक है, ये टाइमिंग है, पर्ची की माँ चुत गई है, जो कई दिन पहले ले गया था। 7:55 पर मिलेगी ट्रेन, 1:25 पर, 18:25 पर, 9:15 पर। टिकट प्राइस अलग अलग है, देखो 1400, 1400, 1200, 2500। तो और उधर से आते टाइम की ये टाइमिंग है, पर प्राइस अलग है, देखो 1200, 1400, 1400, 2500, सही है। तो आप देख सकते हो, अगर आपको 2:25 वाली पकड़ना है तो 1:30 पर टिकट मिलेगी, 6:25 में, तो वही 55 मिनट पहले टिकट देते हैं जी। बाकी टाइम ख़राब ही करो, अच्छा स्टेशन बना हुआ है, आप चाहो तो उस पार जा सकते हो वहाँ से पटरी पे से उतर कर। अभी हम जाते हैं क्योंकि हम शांत नहीं बैठ सकते कहीं पर भी 5 मिनट। ये है ट्रेन की पटरी, आप यहाँ सब में घूम सकते हो, नीचे जा सकते हो। ये पुरानी ट्रेन खड़ी है, इधर सब जंगल ही जंगल है, इस दीवार के उस पार मेट्रो की लाइन है, एक ही ट्रेन चलती है शायद, अब बाकी सब देखना पड़ेगा। और ये भी बताता हूँ आपको कहाँ कहाँ जाती है ट्रेन लास्ट में। बाकी मौसम बहुत बढ़िया है, मज़ा भी आ रहा है, शांति है बिल्कुल, कुछ भी गदर नहीं है, एक अपने ही आगे स्टेशन है। एक ट्रेन आई है 1:15 पे करीब, बहुत लंबी है यार, और ट्रेन भी VIP है एकदम बिल्कुल, पर ये कहीं और जा रही है। हमारी ट्रेन आएगी करीब 1:30 बजे स्टेशन पर आएगी, या फिर 2 बजे, देखते हैं उसी का। और यहाँ पर एक भी सिस्टम अच्छा है, बिना टिकट के कहीं भी घूम सकते हो, अंदर जाओ ट्रेन में चढ़ जाओ चाहे पटरी पे घूमो। ये टिकट है देख सकते हो, शायद स्कैन वगैरह होगा QR कोड जब एंट्री लेंगे, अभी ट्रेन आई नहीं है। ये अपनी ट्रेन जिससे जाएंगे अपना घुमरी, अभी टिकट है अपने पास, देखते हैं बैठना किधर है। ये है कुछ इस तरह की, देखते हैं ये सीटें हैं इसकी, देख सकते हो आप, सीट पर नंबर वंबर कुछ नहीं है यार, टिकट में कुछ है,
पता नहीं पर ट्रेन अच्छी है। वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, मैं दिखाता हूँ सिंबल सामने है। येरवन से गुमरी का 3 घंटे का रास्ता है पूरा, सही है। पर यार मतलब येरवन से जैसे ही बाहर आते हैं ना, ऐसा लगता है बहन चोद ऐसी जगह है जहाँ पर वॉर चल रही है, एकदम सारे घर टूटे हुए, लोग नहीं दिखते हैं बिल्कुल भी, देख सकते हो आप सब, मतलब एकदम बेकार सा है यार येरवन के बाहर, देखने का मन नहीं करेगा आपको, ऐसा लगेगा कैसे उजड़े चमन में है। देखो हर तरफ मतलब वीराना सा छाया हुआ है, ना लोग हैं ना कुछ, मतलब बहुत अच्छा नहीं लगता ऐसा देखते। कितनी देर बाद जो गाड़ी नज़र आई है रोड पर, मुझे हाईवे है तो मतलब ट्रेन की जर्नी काफ़ी अच्छी थी, मज़ा आ गया। अभी कुमरी पहुंचने वाले हैं कम से कम आधे घंटे बाद, 3 घंटे का सफ़र था हमारा और मौसम भी बहुत बढ़िया आया आज, एकदम ठंडी हवा चल रही है। खिड़की खोल कर वीडियो बना रहे हैं एकदम आराम से। गाँव फार्म के काम में देखो ऐसी जगह पे चुंगाना पड़ती है भेड़ बकरी या गाय जो भी होंगी, अभी सब घास सूख चुकी है इसलिए काम भी बंद है। 2 महीने बाद यहाँ सारे काम बंद होने वाले हैं जो आउट एरिया में रहते हैं, देख सकते हो आप यहाँ पहाड़ वगैरह की हालत कैसी है। बाकी जो हरे रहते हैं एकदम बिल्कुल सब, इन्हीं पर गाय भैंस हैं जो भी हैं सब चुंगती हैं। अब बर्फ़ गिरने वाली है, 2 महीने के 3 महीने के अंदर अंदर बर्फ़ गिर जाएगी एक आध बार। सच में भाई ट्रेन में ट्रैवल करके मतलब ऐसा लग रहा है बिल्कुल 25 साल टाइम में पीछे जा चुके हैं हम, मतलब इतनी पुरानी पुरानी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, मतलब पुराना सिस्टम एकदम, पटरी और लोगों का व्यवहार, उतरने का चढ़ने का, स्टेशन यहाँ के सब कुछ एकदम बिल्कुल ऐसा है जैसे कि 25-30 साल पहले होता था टाइम। चलते हैं अभी तो फिलहाल 10-15 मिनट की रास्ता रह गई है, पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, चल इतने धीरे रहिए ट्रेन। और खाली है पूरी ट्रेन, जितने पूरे यहाँ दिन में ट्रैवल करते होंगे ट्रेन में बंदे, उससे ज़्यादा अपने यहाँ बच्चे पैदा हो जाते होंगे डेली के। देखो बाहर का माहौल देख सकते हो, ये आ गया है अपना शहर जहाँ हम आए हैं गुमरी की हालत देख सकते हो। बाकी ट्रेन से उतर कर आपको सारा कुछ दिखाता हूँ। ये है गुमरी का स्टेशन भाई, देख सकते हो अभी उतरे हैं और इधर से जाएंगे। अब यहाँ से मेन सिटी में जाने के लिए देखो बस मिलेगी कि क्या है, दिखा तो रहे हैं बस है। कितने नंबर है? 7 नंबर बस। ये कुछ स्टेशन बाहर से देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया माहौल है कसम से, मौसम भी इतना अच्छा है। ये घड़ी बनी है, इस स्टेशन का नाम है सुबुरान ट्रेन, अरे पता नहीं क्या है मैं वो डाल दूंगा। ये सामने पार्क है, इधर से निकलोगे आप यहाँ टैक्सी वगैरह भी बुक कर सकते हो ठीक है, और अगर यहाँ थोड़ी बहुत देर बैठना चाहो बैठ सकते हो। फिलहाल हम बैठेंगे क्योंकि 3 घंटे का सफ़र है येरवन से यहाँ तक का, देख सकते हो ये ट्रेन का इंजन खड़ा हुआ है इधर से। बाकी चलते हैं, अभी मैंने एक होटल बुक करा है, देखते हैं उसमें एंट्री लेकर अगर मिलती है तो, ऐसी उल्टा सीधा बुक कर दिया, नहीं मिलेगी दूसरी बुकिंग करवाऊंगा फिर। थ्री सिटी, भयंकर मौसम हो रहा है, इतनी ठंड लग रही है, मैं टी शर्ट पहन कर आई है एकदम, जे आदमी ने तो जैकेट पहन लिए। अभी फ़िलहाल जाते हैं सेंटर में, यहाँ के जैसे येरवन में रिपब्लिक स्क्वायर बना हुआ है वैसे यहाँ पर भी है, तो वहाँ पहुँच के देखते हैं। बाकी सिटी तो अच्छी है, साफ़ सफाई हर जगह, देखो गांव वाले इलाके जो हैं बस वही उजड़े चमन है। जो मेन मेन सिटी जाओगे आप जैसे येरवन, दिल्ली जान, गुमरी, सेवन, तो वहाँ सब अच्छा ही मिलेगा आपको। मोटरसाइकिलें यहाँ होती नहीं है तो कारें ही कारें मिलेंगी। अभी सेंटर में चलते हैं, मेट्रो जो रेलवे स्टेशन से करीब 1.5 किलोमीटर है, पैदल ही चले जाएंगे हम। देख सकते हो आप गड्ढे सेम इंडिया की तरह ही हैं बिल्कुल, बोट चल सकती है इनमें, घर वगैरह भी देख सकते हो आप बढ़िया बने हुए हैं एकदम। रोड वगैरह कितने शांत है बिल्कुल, ये मेन सिटी है, मतलब दूसरी या तीसरी लार्जेस्ट सिटी होगी आर्मेनिया की। पर यहाँ की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है सच बताऊँ,
जो यहाँ पे मतलब नाली नहीं होती रोड में, अंडरग्राउंड सारा सिस्टम होता है, मतलब क्या सफाई आती है उससे, बस यही चीज़ अच्छी लगती है देख के। इंडिया में वो चीज़ है ही नहीं और शायद लगता है पॉसिबल भी नहीं होगी कभी। तस्वीर देखो बिल्डिंग पर बनी हुई है, मस्त लग रही है। ये रूम है, अभी आए हैं बुड्ढे से बात करने, वो जो मैंने बुकिंग करी थी वो तो कैंसिल कर दी, दूर बहुत था सेंटर से। बाकी देखते हैं यहाँ इनका कोई आने वाला है, जिसको इंग्लिश आती है वो बात करेगा। बताता हूँ पैसे वगैरह, कॉफ़ी बनाने गया हमारे लिए मालिक, लोग बहुत अच्छे हैं कसम से। नई जगह जाओ दिल जीत लेते हैं एकदम। ये है अपना हॉस्टल बाबूलिया, बाबूलियास अंदर से कुछ ऐसा है, सही है। उधर भी एक कमरा जिसमें मालिक रहता है, ये दिया इसने हमें, देख सकते हो आप। ये इसमें पानी वगैरह गर्म करके पी सकते हैं। किचन उस साइड में, ये बेड पड़े हैं देखो, एक ये दो लोग हैं हम, फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन भी है, काफ़ी है भाई, बढ़िया है रूम तो। अभी पैसे है तो मैं ऑनलाइन चेक करा था, करीब 6,000 दिरहम दिखा रहे हैं एक रात के, 6,000 दिरहम इंडिया के 1,200-1,300 रुपये। देखते हैं पे करते टाइम कि आप तो कुछ गुंजाइश कर दे, हमने बताया हम स्टूडेंट हैं यहाँ झक मारने आए हैं। ये इधर देख सकते हो। बाकी अभी चलते हैं कुछ खाने पीने का जुगाड़ देखने बाहर, इंडियन फूड तो मिलना मुश्किल है। बाकी सेंटर वगैरह सब दिखाता हूँ आपको आज, कल कहीं दूसरी जगह जाएंगे। डिस्काउंट उस्काउंट कुछ भी नहीं था, 6,000 दिरहम दिए उसे। बाकी अच्छा है रूम, 6,000 के हिसाब से यहाँ 20,000 में मिल रहे थे। बाकी शांति बहुत है मेरे भाई, पर मिल नहीं रही है शांति किसी। अभी चलते हैं सेंटर पे, कोई रेस्टोरेंट वगैरह देखते हैं, कल बाकी टूरिस्ट प्लेस कवर करेंगे। गुमरी में जो है वो मैं आज ही सर रात में दिखाता हूँ। टैक्सी बड़ी सस्ती थी यार, हम कम से कम 2 किलोमीटर दूर आए सिर्फ 200 दिरहम में, करीब इंडिया के 50 रुपये में। यहाँ टैक्सी बहुत सस्ती है, एरेवन में मिनिमम 500 दिरहम से शुरू होती है, यहाँ 200 में काम चल गया, बढ़िया। स्ट्रीट वगैरह देखो, और ठंड पड़ रही है अच्छी खासी, यहाँ लोग जैकेट पहन रहे हैं, पर मैं भी सेट डाले आया ऊपर से। यह है सेंटर ऑफ गुमरी, जैसे रिपब्लिक स्क्वायर है ऐसे ये म्यूनसिपालिटी हाउस है, झंडे वगैरह लगे हैं, इधर एक चर्च है सेंट आल सबीर्स, नाम एक तो बड़े ख़तरनाक होते हैं, सही है, देख सकते हो। बस यही एरिया है जो अच्छा है यहाँ पे, बाकी 2-4 मोनेस्ट्री बनी हुई हैं उन पे चलते हैं, चर्च के अंदर देखता हूँ जाके अगर एंट्री मिली तो। ये है चर्च, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है बाहर से, तो लोग भी आ रहे हैं अंदर से। सेंटर में ये बिल्कुल सामने ये हाउस, बीच में पार्क है, इधर देख सकते हो आप। अंदर चलते हैं, अभी देखते हैं। अंदर गया था मैं इसके, यार कुछ प्रोग्राम चल रहा है, शायद शोक मना रहे हैं कि पार्टी कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, या प्रेयर कर रहे हैं। मैं वापस आ गया फिलहाल अंदर झांक कर, मैंने सोचा क्या ही करेंगे, फेलेंगे तो नहीं। बाकी चलते हैं बीच सेंटर पर, घोड़ा बुग्गी खड़ी थी अभी इधर देखा मैंने। ये है सेंटर बिल्कुल, देख सकते हो बिल्कुल सेम रिपब्लिक स्क्वायर की तरह ये, पर ये थोड़ा छोटा है। ये एक चर्च है, सामने ये स्टेचू है, शायद मेरे हिसाब से भारथन मामी कोनिया होगा, क्योंकि उनके ज़्यादा स्टेचू हैं इधर बने हुए। इधर पानी वगैरह है, ठंड एक तो इतनी लग रही है पानी को देखते ही। इधर होटल वगैरह भी हैं, अगर आपको कुछ ख़रीदना है या खाना वगैरह खाना है जा सकते हो। शाम का टाइम है, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है बिल्कुल एकदम। ये एक स्टैचू, इसके सामने 2-4 काफ़ी बढ़िया है, मतलब मज़ा आ रहा है यार, मौसम भी काफ़ी अच्छा है, लोग भी बढ़िया हैं इधर, इंडियन है नहीं ना तो हाल चाल पूछ रहे हैं मिल मिल के बार बार। जी यार ये लौंडिया कुछ ना कुछ पूछेगी मुझसे, आ जाओ, बुला रही है इसकी अम्मा। यहाँ पर यार अच्छा क्यों लगता है पता है, क्योंकि लोग कम हैं एरिया ज़्यादा है, ठीक है, और हर एक चीज़ नियम से चलती है, ऐसा नहीं है कि मतलब सब कुछ उल्टा सीधा है, हर चीज़ सेट है। ये बुग्गी खड़ी है, इस पर आप जा सकते हो बात करके।
और मौसम भी यहाँ का बहुत अच्छा है। इस टाइम जो मौसम है एकदम वो वाला है, गर्म मौसम, मतलब ठंडा है, नॉर्मल है, जैकेट नहीं और ना ही स्वेटर, शर्ट और टी शर्ट में काम चल सकता है। अगर आपके अंदर थोड़ी गर्मी है तो टी शर्ट में भी घूम सकते हो। सब निकाल दिया है तो फिर जैकेट पहनना पड़ेगी जैसे जो पहने हुए हैं। सही है, 15 टेम्परेचर है इस टाइम, देखो यहाँ का। रात में मुझे लग रहा है और भी डाउन जाएगा। देखते हैं इस वाले चर्च में जाएगा, अगर एंट्री मिली कोई नहीं हुआ तो अंदर की वीडियो दिखाता हूँ बना के। ये होली मदर ऑफ गॉड का चर्च है। सही है, अंदर तो काफ़ी बढ़िया है यार, पेंटिंग वगैरह बनी हुई है शीशे में, अगर दिखती होंगी देखो। पर अब ये क्लोज है, वो वाला खुला है जिसमें अभी गया था। इधर मार्केट है, देखते हैं क्या है मार्केट में। ये मार्केट है, सेंटर से थोड़ा इधर आओगे, रेस्टोरेंट वगैरह हैं, कुछ भी चाहिए अगर देख सकते हो आप। जब सेंटर में आओगे तो सर्च करना रिज कोप स्ट्रीट, वो स्ट्रीट है ये पूरी, देख सकते हो काफ़ी बढ़िया वीआईपी रेस्टोरेंट बने हुए हैं इस स्ट्रीट पे। सामान वगैरह कुछ भी चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉनिक का, बाल कटाना, नाई की दुकान, सब कुछ है। ये था दोस्तों पूरा गुमरी सिटी का टूर, आर्मेनिया की सिटी गुमरी का, जो कुछ था काफ़ी सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया। आप ट्रेन से आ सकते हो, बस से आ सकते हो, टैक्सी से। रात हो गई है, पता नहीं शक्ल दिखती होगी कि नहीं दिखती होगी, पर सिटी अच्छी है, मज़ा आ जाएगा आपको। और शायद अभी दिल्ली जान रह गई है, बानाजोर मैं गया था वो आपको दिखा चुका हूँ। बाकी कल ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करते हैं, जो यहाँ की मोनेस्ट्री वगैरह हैं और जो टूरिस्ट प्लेस हैं वो सब। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अजनबी को मत भूलना। वीडियो यहीं तक थी, रात हो गई है, खाने का कुछ मिला नहीं यहाँ सामान, सुपरमार्केट ढूंढ रहे हैं कोई, वहीं से कुछ ले लेंगे, अंडे बंडे मशीन है उबाल के खा लेंगे।